हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो है लास्ट टू मंथ में हम निमसेट का प्रिपरेशन किस ढंग से करें कि एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाएं। इसके लिए मैंने एक नोटिफिकेशन भी डाला था। इस सेशन में ना केवल मैं ये बताऊंगा कि लास्ट टू मंथ स्टडी प्लान क्या होगा, इसके साथ साथ आप लोगों में से बहुत लोगों ने फॉर्म में मिस्टेक कर दी है, भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड में मिस्टेक की है, EWS सर्टिफिकेट में मिस्टेक्स की है, ऐसी कई सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स हैं, वो भी इस सेशन में कवर करूंगा। तो आप सब लोग ये सेशन बहुत ध्यान से सुनिए और एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, आप मेरा NIMSET नोटिफिकेशन जिस दिन आया था उस दिन का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने उसमें बहुत स्ट्रिक्टली एक बात बोली थी कि आप पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को 2 or 3 times रीड करिए, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करिए और फिल करने के बाद सेव करिए, क्रॉस चेक करिए, उसके बाद ही सबमिट करिए। उसके बाद भी आप में से कई बच्चों ने मिस्टेक की हैं और ऐसी ऐसी मिस्टेक की है जिनको सुन के लगता है कि आप एक तरफ बोलते हो कि आप NIMSET की तैयारी कर रहे हो, दूसरी तरफ इतनी सिली मिस्टेक ऐसे कैसे हो सकता है। आप सब ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं मानता होनी चाहिए कि वो हर चीज़ केयरफुली पढ़ें, पर अब जो भी हो गया है उसका मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूँगा, उसमें कोई बात नहीं। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर ये सेशन जूनियर लोग सुन रहे हैं जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, वो इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और एक बात समझिए, आप मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा सेकंड ईयर में बैक था, मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है, कौन सी मार्कशीट अपलोड करूँ, EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाया। सबसे ज़्यादा बच्चों का मैसेज इस बात पर है कि सर हमने डायरेक्ट ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड कर दिया, उसकी जीरोक्स निकाल के साइन करके अपलोड नहीं किया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ बोलता हूँ। कुछ बच्चों के पास तो OBC का सर्टिफिकेट ही नहीं है, वो मुझसे पूछते हैं कि सर 2016 का सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या, 15 का चल जाएगा। आप समझिए, ना तो एग्जामिनेशन बॉडी हम है, ना ही हम आपको ये बात के लिए अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि 2016 का वो सर्टिफिकेट कंसिडर करेंगे। वैसे लॉजिकली उन्होंने बहुत क्लियरली दिया है कि 1 अप्रैल 2018 के बाद का OBC का सर्टिफिकेट देना है। इनफैक्ट काउंसलिंग के समय आपको एक और सर्टिफिकेट करना पड़ेगा जमा। पर जब बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर हमारा OBC का सर्टिफिकेट ही नहीं है, पुराना है, नया हमने बनवाया नहीं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर साल के वही रूल हैं, तो आपको इन बिटवीन बनाना चाहिए। और मैंने जब NIMSET के पिछले सेशन भी देखेंगे तो हमेशा बोलता हूँ, इसलिए मैं सभी जूनियर्स को एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो समय रहते हुए इसे कंप्लीट करिए, अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके सॉल्यूशंस पे जाते हैं। नंबर 1 थिंग मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, देखिए कि नॉर्मली फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते। आपकी अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो फॉर्म नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होते। मैं अपने एक्सपीरियंस की चीज़ें बता रहा हूँ, अपने अनुभवों से बता रहा हूँ, इसलिए आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात, आप में से बहुत लोगों ने ये एक कॉमन प्रॉब्लम भेजी है कि मार्कशीट को डायरेक्ट स्कैन करके अपलोड कर दिया, उसका जेरोक्स निकाल के साइन करके अपलोड नहीं किया। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये नंबर 2। नंबर 3, कुछ बच्चों ने लिखा है कि सर सेकेंड ईयर में बैक आया था, उस बैक के बाद हमारे पास अभी वो मार्कशीट नहीं आई तो क्या करेंगे। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ने डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे, कुछ ने परसेंटेज में मिस्टेक कर दी, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 99% चांस इस बात के होते हैं कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर भी दिए तो वो आपके काउंसलिंग के समय वो आपसे एरर करवा लेंगे या अभी आपको कोई ऑब्जेक्शन भेज देंगे। फिर भी एक सेफ साइड के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपकी जो भी रिलेटेड मिस्टेक हुई हैं, आप NIMSET को ऑफिशियली जो उन्होंने ईमेल दिया उस पर एक मेल जरूर कर दें, contact.nimset@nitk.edu.in या secretary.nimset2019@nitk.ac.in, इस पर आप एक मेल कर दें। ये भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है और ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। बट आप फिर मुझे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, कई बार उठा लिया जाएगा कई बार नहीं। पर मैं आपको फिर एक बात बोलूँगा कि वो अगर फ़ोन पिक नहीं करेंगे तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आपको इसलिए मैं बोलूँगा, ऑफिशियली चाहते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हुई contact.nimset.nitk.edu पे मेल करें। और अगर आपकी मिस्टेक उनको लगता है कि ज़्यादा बड़ी है तो कई बार वो फॉर्म ओपन कर देते हैं, अभी कुछ बच्चों के साथ हुआ भी, तो वो आपका फॉर्म दोबारा ओपन करेंगे, आप उसमें जो आपके एरर हुए हैं, जो मिस्टेक्स हुई उसको फिर से आप करेक्ट कर सकते हैं। बट नहीं भी उनने ओपन किया, आपका एक मेल भेज देंगे तो आप थोड़ा सा सेफ साइड में चले जाएंगे, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा ये कुछ नंबर हैं, 8197623723, 9449024946 या 9008721572,
लैंडलाइन नंबर है जिस पे मैं कहूंगा पहले ट्राई करिएगा 0824-247-3252। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी गई है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। EWS में भी कई बच्चों ने लिखा है कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो या EWS, उस केस में आपको जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा, या उन्होंने एक प्रोफॉर्मा दिया सभी का, EWS का भी OBC का। अगर उस प्रोफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया, कोई और लगा दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप उस कैटेगरी की जगह जनरल में गिने जाएं। पर फिर भी चांसेस ये होते हैं कि आपका गलत सर्टिफिकेट के बाद भी वो फाइनल काउंसलिंग के समय कई बार चीज़ें ठीक कर देते हैं। पर ये मैं आपको बस अपने आइडियाज दे सकता हूँ, ऐसा ही होता आ रहा है इसलिए मैं बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं कि लास्ट 60 डेज में हम किस ढंग से प्रिपरेशन करें। सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट को, कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपके पास फाउंडेशन कोर्स है, उस कोर्स से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको NIMCET के मॉक पेपर और जो एक्चुअल पेपर है वो डेफिनेटली बन रहे होंगे। इसलिए कुछ पेपर्स के मैं सॉल्यूशन भी नहीं डालता, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन कोर्स को एक बार देख लेंगे तो हर चीज़ उसमें से आई हुई है। फिर भी अभी मैं कुछ लाइव सेशंस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे क्विक या मिनिमम टाइम में हम टॉपिक का रिविजन करें, ये सेशंस भी आप देखते रहें। तो ये एक चीज़ समझिए, जैसे अभी मैं अगर बोलूँ तो बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो भोपाल में आकर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी जिनका बायो बैकग्राउंड था, उसके बाद भी वो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसका मतलब अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई की गई होगी तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे अब कुछ बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स भी लिया पर अगर वो उस कोर्स को देखते ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। अब जैसे आज एक पेरेंट्स आए, उन्होंने बताया सर हमारा बच्चा जो है वो मोबाइल पर 12 घंटे यूज़ करता है, पबजी खेलता रहता है। आप सोचिए कि कैसे पॉसिबल होगा। आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप NIMCET एक ऑप्शन ले रहे हैं तो आपको जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। आप में से कुछ बच्चों ने एक और चीज़ पूछी कि सर मेरिट मार्क्स क्या होते हैं या कट ऑफ क्या होता है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, NIMCET में कट ऑफ नहीं होता, मेरिट मार्क्स कुछ भी नहीं होते, डिपेंड ऑन पेपर। रैंकिंग मिलती है, उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलता है। पर फिर भी एक अप्रोक्सीमेट बता दूं कि 600 प्लस का मतलब होता है टॉप 3 कॉलेज, 500 प्लस का मतलब होता है उसके बाद के 3 कॉलेज, 400 प्लस का मतलब होता है बचे हुए NITs। यानी अगर आप 500-600 के ऊपर स्कोर करते हैं तो एक अच्छे NIT की तरफ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी ये पेपर पे डिपेंड करता है, अगर पेपर टफ होगा तो ये स्कोर कम हो सकता है, पेपर ईजी होगा तो ये स्कोर बढ़ भी सकता है। एक आइडिया दे दूँ, कट ऑफ मार्क्स नहीं होता है। कट ऑफ का मतलब आपको मैं बता दूँ, कट ऑफ का मतलब ये होता है कि इतने नंबर के ऊपर जितने लोग हैं वो सब सेलेक्ट हैं, पर NIMCET में ऐसा नहीं, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स नहीं होता। अब बात आती है लास्ट 2 मंथ में हम किस ढंग से पढ़ें। कई बच्चों ने मुझे ये भी लिखा है कि सर मैथ्स और LR को कैसे कवर करें, क्योंकि मैथ्स और LR मिला के 840 मार्क्स हैं, यानी 84% मार्क्स केवल मैथ्स और LR को हैं। और मैथ्स स्ट्रांग होगा तो LR बनेगा। अब आपको क्योंकि बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल रहे होंगे, अच्छा इस वीक से जो टेस्ट पेपर्स हैं वो 2 हो जाएंगे, मॉक पेपर्स 2 मिलेंगे, तो एक संडे को और एक थर्सडे को ऐसे आपको देना है। इसके अलावा और भी आपको, क्योंकि क्लास में हर दिन एक मॉक हो रहा है तो वो सारे मॉक आपको दिए जा रहे हैं, तो आपको जो टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप एवरीडे 1 पेपर सॉल्व करिए, अलॉटेड टाइम में सॉल्व करिए, और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए फाउंडेशन वीडियो कोर्स को देखोगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारे एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन का फाउंडेशन पूरा बना हुआ है। इसलिए अगर मैं किसी पेपर का सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके फाउंडेशन की जरूरत है और उसको देख के आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी कहीं और प्रॉब्लम आए तो आप वो मुझे बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन 2 महीने में मैथ्स LR, अच्छा अगर हम कंप्यूटर और रीजनिंग की बात करें तो आपको पता है कंप्यूटर फंडामेंटल भी 8% का है और इंग्लिश भी 8% का है। अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है तो आप इसमें स्कोर कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर फंडामेंटल में नॉर्मली जो मेरा असेसमेंट ये कहता है कि 4-5% आप इजीली स्कोर कर लेते हैं, यानी 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हो जाते हैं। तो अब हमारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि हम मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से करें। 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 40 रीजनिंग के। मैथ्स में आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे। मैं एक बात बोलूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मली अगर बोलूं तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी टॉपिक का वेटेज कम ज़्यादा हो सकता है। फिर भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी,
ट्रिग्नोमेट्री ये आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करेंगे तो कैलकुलस भी बनेगा, और कैलकुलस में याद रखिएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल होती हैं। तो यानी आपको इन पे वर्क करना चाहिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में तो कई बार 5 to 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इन टॉपिक को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। इनफैक्ट क्विक रिविजन में मैं ये टॉपिक्स भी कवर करूंगा। तो एक चीज़ ये हुई। दूसरा, रीजनिंग में आपको जो मॉक पेपर्स मिल रहे हैं अगर आप उसकी रीजनिंग सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे देखिएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इजीली 30 तक अचीव कर सकते हो। अब आपका टाइम मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि जो आपको मॉक पेपर मिल रहे हैं 2 आवर्स के, उन 2 आवर्स में 1 आवर आप मैथ्स को दीजिए, 1 आवर, और 40 मिनट आप रीजनिंग को दीजिए। बचे हुए 20 मिनट में कंप्यूटर फंडामेंटल, इंग्लिश और इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस को देना है। अब 1 आवर मैथ्स में आपको 50 में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन ट्राई करना है, यानी 60 मिनट में 40 क्वेश्चन। अब ये 60 मिनट में 40 क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि फर्स्ट 50 मिनट में जब आप स्कैनिंग कर रहे होंगे एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे। जिस ढंग से आप कोई भी साल का एक्चुअल पेपर उठाओ, फाउंडेशन स्कोर को देखो, आप देखोगे कि सारी चीजें उसमें कवर की गई हैं, बस आपने उसको अच्छे से सुना और पढ़ा होगा तो आपको बन रहे होंगे। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि पहले 15 मिनट में 20 क्वेश्चन हो, बार बार वही पेपर करिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ये समय ऐसा आता है, कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमारा थोड़ा सा हमें फ्रस्ट्रेशन आता है एग्जाम्स के थोड़े दिन पहले, पर फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव माइंड से फिर से अपने आप को एनर्जी के साथ तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जिस समय 10 बच्चों में से 4 फर्स्टेड हो रहे हैं, यानी वो तो कंपटीशन से बाहर ही हो गए, तो बचे कितने? 6। आप अपने आप को हमेशा हाईली मोटिवेट रखिए, क्योंकि टाइम अभी भी आपके पास है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो आप एक चीज़ नोट करना कि 15 मिनट में आप आराम से 20 क्वेश्चन कर सकते हो, ये बिल्कुल पक्का है। तो वो क्वेश्चन जो पुराने पेपर से आपने सॉल्व किए, इसलिए मैं बार बार बोलूंगा, जो आपको आज टेस्ट पेपर मिल रहे हैं आप उन्हीं पेपर को अच्छे से सॉल्व करो। इनफैक्ट एक और बात बोलना चाहूंगा, कोई नया स्टूडेंट अगर ये सुन रहा है तो आप कोर्स से जुड़े ना जुड़े, पर टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाएगा। 2019 में आप अपेयर हो रहे हैं, 2021 वाले बच्चों के पास पूरा कोर्स लेने का समय, आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े और जुड़ते जा रहे हैं। आज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे जिस ढंग से जुड़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है कि चलो अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग समय रहते हुए एक्शन ले रहे हैं। तो आपको पहले 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है। जैसे ही 15 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, फिर आपके पास मिलते हैं 45 मिनट और लगभग 20 to 25 क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन को 2 मिनट। तो अगर वेल टाइम प्लान के साथ पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और फिर जब आप रीजनिंग में आओगे तो रीजनिंग के 40 मिनट में याद रखिएगा, पहले वो करिए जो सिंगल क्वेश्चन हो, मिसिंग टर्म वाले, बेसिक क्वांट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। लास्ट ईयर जरूर क्वांट के कुछ क्वेश्चन आए थे पर बहुत ही बेसिक थे, मेजर फोकस आप रीजनिंग पे ही रखिएगा। तो पजल सॉल्व करने से पहले सिंगल जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के वो करिए, और ट्राई करिए कि 10 मिनट में आपसे पहले 10 मिनट में लगभग 10 to 15 क्वेश्चन हो जाए। फिर बचेंगे आपके पास 30 मिनट, लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने होंगे, जिसके लिए हर क्वेश्चन को 2 मिनट मिलेगा। यानी ये आपको जो टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं आप उसी ऑर्डर में उसको फॉलो करेंगे तो फायदा होगा। अगर आप पूरे 2 घंटे मैथ्स करते रहे या पूरे 2 घंटे रीजनिंग, तो आप स्कोर्स नहीं कर पाएंगे। रैंक बनाने के लिए हर सेक्शन में आपको स्कोर करना जरूरी है। और फिर मैं बोलूंगा कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 40+ मैथ्स और 30+ रीजनिंग, ये एक टारगेट तो होना ही चाहिए। तो 5 से 6 क्वेश्चन मैथ्स के कई बार ऐसे होते हैं जो लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं, वो आपको नहीं करना। अगर आप वो करेंगे तो आप फिर 40 तक रीच नहीं कर पाएंगे। यही बात रीजनिंग में होती है, कुछ पजल्स ऐसी हो सकती है जो टाइम बहुत ले लें या कुछ मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन, तो बी केयरफुल। आपका फोकस पहले वो होना चाहिए जो आता है, उन पे नहीं जो नहीं आता। तो अगर आपने एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ किया, क्योंकि अभी अगले 2 महीने आपको बहुत ज़्यादा, यानी अगले 60 डेज में कम से कम आपको मैं बता दूं कि 70 से 80 पेपर्स मिलेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स के भी एक्चुअल पेपर्स मिलेंगे, इतने पेपर्स। और जो अब तक मिल चुके हैं आपको करीब अभी तक 50-60 मिल गए, अगर आपने इन पेपर्स को ही बार बार सॉल्व कर लिया, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप इतना स्कोर कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए। और आपकी स्पीड की एक क्वेश्चन और पूछी थी मुझसे कि आपने कि स्पीड नहीं आ रही, स्पीड का मैं आपको बता दूं, स्पीड आप वही क्वेश्चन जो सॉल्व कर चुके हैं उनको रीसॉल्व करिए, फिर सॉल्व करिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करेंगे तो स्पीड आने लगेगी। यानी जो आपके पास NIT मॉक और एक्चुअल मॉक हैं, उनको जैसे पहली बार में 2 आवर लगे, सेकंड टाइम में 1 आवर लगेगा, थर्ड टाइम में 30 मिनट, फोर्थ टाइम में हार्डली 10 मिनट लगना चाहिए। तो आपको क्या होगा कि उसी पैटर्न का जब कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे आपकी स्पीड बन चुकी होगी।
तो स्पीड का तरीका यही होता है, जो आता है उसको बार बार सॉल्व किया जाए और ट्राई करें। अभी जो 60 डेज हैं, हर दिन भी अगर आप मैथ्स का चाहें, मैं आपके साथ रिवीजन सेशन रखी इसलिए रहा हूं कि आप देखोगे कि वन क्लास में आप एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, मैथ्स के 30 टॉपिक हैं, यानी आप नेक्स्ट 30 डेज में इजीली अगर वन टॉपिक लिया, जैसे एक दिन में क्वाड्रेटिक, एक दिन में कैलकुलस, सॉरी एक दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक दिन में प्रोग्रेशन, एक दिन में लिमिट, ऐसे एक एक दिन को लेके चलें, आप 30 डेज में कर लेंगे। ट्राई ये करना है 15 से 20 अप्रैल तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। लास्ट के बचे हुए 30 डेज तो आप बस बार बार पुराने पेपर्स जो आपको दिए गए हैं, जिन टॉपिक्स में आपके स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, जिन मैथ्स टॉपिक में आपका मिस्टेक होती है कैलकुलेशन, उन टॉपिक के ही क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना है। यानी आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 अप्रैल, जैसे मैंने एकेडमी में टारगेट रखा है कि 15 अप्रैल तक सारे टॉपिक को आप रिवाइज करके परफॉर्मेंस दो, वही मैं आपसे भी बोलूँगा। पर फिर भी अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, तो आप और ज़्यादा दिन ले लें, 15 दिन, यानी अगले 30 डेज में आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट 30 डेज में आप मैथ्स के हर दिन एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो 30 डेज में 30 हो जाएंगे। अब रिवीजन कैसे करना है कि सपोज आपने बाइनोमियल स्टार्ट किया तो पहले बुक बंद करिए, पूरा बाइनोमियल का रिवीजन करिए, आप देखिएगा उसके सेशन, और फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। अगले दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट डे आपने सपोज प्रोग्रेशन किया, फिर प्रीवियस पहले रिवीजन किया, फिर क्वेश्चन किया, हार्डली 2 से 4 आवर के बीच में एक टॉपिक रिवाइज होगा एक काम। फिर ऐसे ही 2 आवर्स आपको करना चाहिए रीजनिंग। पर डे आपको लगभग 10 आवर की प्रिपरेशन करना चाहिए, जिसमें 6 आवर टू 7 आवर मैथ्स, 3 आवर्स में आपको लॉजिकल रीजनिंग, और हफ्ते में 1 या 2 दिन कंप्यूटर या इंग्लिश पे फोकस करना, ये प्रिपरेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, आप में से कुछ लोगों ने बोला सर फाइनल ईयर के एग्जाम्स आने वाले हैं, इलेक्शन की वजह से कुछ जगहों पर एग्जाम प्रीपोन्ड हुए हैं, कोई बात नहीं है, आप अपने कॉलेज के एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ निम्सेट के टेस्ट पेपर को कम से कम देते रहिए और कोशिश करिए कि 1-1 घंटे में आप टॉपिक रिवाइज कर लें। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ रिवीजन लाइव सेशन रखूंगा, जिससे आप समझ पाएं कि आपको पढ़ना क्या है। पर ये रिवीजन लाइव सेशन का फायदा आपको जब ही होगा जबकि आप फाउंडेशन अच्छे से कवर कर चुके होंगे, क्योंकि मैं ये मानते हुए चलूंगा कि आपको बेसिक आता है, पढ़ाऊंगा बेसिक से ही, पर आपका फाउंडेशन कवर है तो आप इमीडिएटली कैसे रिवाइज करें, सारा ब्लैंक पेज पर लिखते जाएं और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी टेंशन मत लीजिए, फॉर्म नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होता है, फिर भी लगे तो आप उनको एक ऑफिशियल मेल जरूर डाल दें या ऑफिशियली कॉन्टेक्ट कर लें, क्योंकि जो भी आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो देखिए मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता अनलेस एंड अंटिल एनआईटी सूरतकल के अलावा, यानी आपको एनआईटी सूरतकल में ही बात करनी पड़ेगी, वही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक मेल डालने से आप सेफ साइड हो जाएंगे। दूसरा सवाल अगला 2 महीने का, अच्छा आप में से कुछ लोगों ने बोला कि सर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, क्या करना चाहिए, हम एक ड्रॉप ले लें क्या, या हमारा एक ड्रॉप हो चुका है। मैं आपको एक बात बोलूँगा, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है ये 26 मई के बाद डिसाइड करिए, अभी तो आप अपना फोकस इस पेपर पे लगाइए, जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करिए, रिजल्ट के बाद ये डिसीजन होगा कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इसलिए घबराइए नहीं। 2 महीने बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉपर पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए, कहीं प्रॉब्लम आए मुझे बिल्कुल बताइए। आप लोग कुछ समय से चाह रहे थे सेशन इसलिए लिया, अब मैं आपके साथ टॉपिक वाइज लाइव सेशंस लूँगा, जिससे आप में और एक अच्छा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पढ़ाई करिए। हर तरह का बच्चा आज जुड़ा हुआ है एम्पिटस से, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम, हर तरह के स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी को एक बात बोलूँगा कि अपने ऊपर से कभी भी भरोसा मत खत्म करिए, बिलीव रखिए एक अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए, रैंक वगैरह की चिंता छोड़ दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।